बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को इरफान साबिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद गुजारिश है कि मिल्किंग मशीन की इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके सामने आज हम करवा रहे हैं अपने फार्म के लिए। और इस सिलसिले में ये मिल्किंग मशीन है जी, तुर्की की मशीन है जी। ये एट ए टाइम दो गाय को इससे जो है चोया जा सकता है, उनकी मिल्किंग की जा सकती है। तो ये आपके सामने इसको चला दिया गया है और आप इसके थनों पर लगा दिया गया है और ये दूध जो है निकलना शुरू हो गया है। आपको नजर आ रहा होगा बंद करो सर, ढंगा लाओ सर, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। अभी स्टार्ट कर लेंगे, कोई नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, ये तुर्की की मशीन है, मशहूर है आजकल, ये पाकिस्तान में काफ़ी ये मकबूल है, ये चल रही है। ये दो गाय आपके सामने खड़ी हैं, इनकी चुआई होगी एक ही, यानी मशीन से दो गायों की चुआई होगी। तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट है इसके मतलब हम मज़ीद जो है जो जिन बंधु से हमने ली है उनसे मज़ीद इसकी तफसील हम लेंगे। राणा नवीद भाई ये खड़े हैं जी, थोड़ा सा इनसे हम मज़ीद इसकी तफसील लेंगे, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि ये दूध किस तरह निकालती है। थोड़ा ये गाय जो है ये आदि नहीं है इसकी, इसलिए थोड़ा ये नया नया आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा टेंशन महसूस मेरा ख्याल निकाल रही है, लेकिन अब ये दूध आ रहा है। अच्छा, आप दूसरी गाय को लगाएं जी। अच्छा कोई बात नहीं, एक की मिल्किंग हो जाए फिर तो सही है। बिल्कुल नेचरली ये अच्छी चुवाई होती है, जिस तरह इंसान चुवाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह ये बड़ी आरामदेह और पुरसकून। रखते जाए जल्दी बस 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 यो तो डर होता है पढ़ाने की गाय करो थोड़ी बस 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 तो भाई ये पढ़ने में खराब करे थी। अच्छा कोई गाल नहीं, बोला बाद कोई मसला नहीं, खैर है। अच्छा जी, मिलते हैं जनाब अली राणा नवीद भाई से जिन्होंने ये मशीन इंस्टॉल की है, और उनसे इस बारे में मज़ीद मालूम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, ये मिल्किंग मशीन के मुतालिक आप हमें थोड़ा सा आगाह करें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ जी। राणा नवीद इकबाल नाम है मेरा, और फार्म सोल्यूशन बरकत फील्ड में काम करते हैं हम। लहिया बखर और मियाँवाली के एरियाज़ को देख रहा हूँ मैं। हमारे पास तीन डिपार्टमेंट हैं, हम कैटल इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये मिल्किंग मशीनरी का डिपार्टमेंट है, और कैटल फीड का हमारे पास सारा सिस्टम है। तमाम जानवरों के लिए, जिसके क्वालिटी के जानवर हो उस क्वालिटी की फीड हमारे पास है। अच्छा, तो साबर भाई से इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह इनका ये डेयरी फार्म है, मलिक डेयरी फार्म के नाम से है। हाँ जी,
ये मलक डेयरी फार्म के नाम से इनका फार्म है, तो ये हम इसी सिलसिले में मिले थे, तो हमने ये डबल बकर डबल क्लस्टर इंस्टॉल करवा रहे हैं इनके पास। माशाल्लाह आज पहला दिन है तो जानवर भी न्यू है, तो इनके लिए ये थोड़ा सा मसला था, ये इनके पास प्रॉपर स्टैंड नहीं है मिल्किंग का, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये बिल्कुल मिल्किंग हो रही है। तो इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे जानवर हैं इनमें मिस्टाटिक का मसला आ जाता है, बाज़ अवकात फार्मर अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे होते और उनके हाथ नहीं धुले होते, तो बाज़ अवकात मोस्टली मिस्टाटिक का प्रॉब्लम आता है, थनों पर जख्म आ जाते हैं। मशीन मिस्टाटिक के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। सही है, ये आपके सामने है, आज फर्स्ट डे है इसका इंस्टॉलेशन का, तो ये इंस्टॉल हो रही है तो आप देख सकते हैं। तो अच्छा, ये मशीन जो है ये तुर्की की इंपोर्टेड है? जी, ये तुर्की से इंपोर्टेड है जी, डबल बकर डबल क्लस्टर है तो ये है। इसके अलावा हमारे पास BMS 4 और मिल्क लाइन पार्लर टोटली ऑटोमेटिक है। अच्छा, तो अगर इस वीडियो के तरफ से अगर कोई दोस्त आपसे लेना चाहे तो आप इसकी क्या प्राइस ले रहे हैं आजकल? जी बिल्कुल, मैं सावर भाई से यही कहना चाहूँगा, जो इनके फॉलोअर हैं हमने इनको भी इंस्टॉल करके दी है, तो ये एक पीस में हम जहाँ भी कहीं वो कहेंगे तो हम इनको इंस्टॉलेशन करवा के और इसके साथ जो एक्सेसरीज होती है वो हम तक अब तक डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ये फार्म सॉल्यूशन की तरफ से बेहतरीन पैकेज है आपके लिए। सही। अच्छा, इसकी वारंटी भी होती है? जी सावर भाई, इसकी जो ये इसके प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनकी 6 महीने की वारंटी होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं इनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो 6 महीने तक इजीली कवर करती है। ये 6 महीने तक इसको कोई भी इशू होगा तो हम हाज़िर हैं, और जो इसका पंप है उसकी 2 साल की वारंटी है और वो हम आपके सामने दे रहे हैं, कभी भी आपको कोई भी मसला हो तो हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। सही है। अच्छा, तो ये इसकी चुवाई हो गई है जी गाय की, और ये आज पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि गाय ने कोई इतना इसको टेंशन महसूस नहीं की और चुवाई इजली हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद दूसरी गाय की जो है चुवाई होगी जी, एक टाइम में 2 गाय की चुवाई हो जाती है, लेकिन आज चूँकि ये पहला दिन है और गाय हमारी जो है ये इतनी आती नहीं है, नई गाय तो नई गाय हैं, इसलिए हम एक एक की चुवाई कर रहे हैं ताकि जब ये कुछ दिनों तक आती हो जाएंगी तो फिर ये टेंशन महसूस नहीं करेंगी। अच्छा, ये गाय के साथ साथ नवीद भाई भैंसों के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है? भैंसों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, भैंसों के लिए थोड़ा सा प्रेशर इसका बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि काव सॉफ्ट होती हैं और भैंसें थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उनकी जो सकिंग सिस्टम है वो उसके लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो अच्छा वो भी ईजीली हो जाती है। सही है जी, ठीक है जी। तमाम दोस्तों को हम ये बताते चलें कि नवीद भाई जो हैं इनके पास जाकर आप ले सकते हैं, इनका जो अपना ये अपना एड्रेस अपना बता दें जी। फॉलोअर, हमारा एड्रेस हम लैया बकर मियांवाली के लिए हमने कंपनी का लेआउट बनाया हुआ है, चौक आज़म सिटी में लैया बकर, तो MM रोड पे 339 अड्डा है, सही तो वहाँ से हम डील कर रहे हैं सिंगल बकेट लाइन पार्लर तक। तो मज़ीद आप इस हवाले से हम नवीद भाई का नंबर स्क्रीन पर दे देंगे, अगर कोई दोस्त लेना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं 03458424711। सही, इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर रब्ता ना हो रहा हो तो आप सावर भाई के लिंक से आप रब्ता कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको ये सर्विस फराहम कर सकते हैं। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।